कहानी ग्राम बेलदारी टोला खलीलाबाद जिला संत कबीर नगर की है। ग्राम बेलदारी टोला में एक आंगनबाड़ी स्थित है जिसमें लगभग 30 या 40 बच्चे पढ़ने जाते हैं। इस आंगनबाड़ी में मेरे परिवार के भी दो बच्चे पढ़ते हैं। पिछले 2 महीने से इस आंगनबाड़ी में बच्चों को दोपहर का मध्याह्न भोजन नहीं दिया जाता है। इस आंगनबाड़ी की कार्यकर्ता मिथिलेश देवी और कुसुम देवी जो कि सहायिका हैं, वे अनाज को बाजार में बेच देती हैं जिसके कारण बच्चों को दोपहर का भोजन नहीं मिल पा रहा है। आपका नाम? मिथिलेश, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मिथिलेश। यहाँ पर बच्चों को क्या क्या दिया जाता है? यहाँ पर बच्चों को खाने को पैसा आता है, मंगलवार को दलिया आता है, शनिवार को पोहा दिया जाता है और और यहाँ सुने कि आपके वहाँ भोजन दोपहर का नहीं दिया जाता, क्यों? जब उसका पैसा आता है तब दिया जाता है, जब नहीं आता तब नहीं दिया जाता है। इधर न पुकार है न हर का पैसा है, तो है। पैसा कहाँ से नहीं आ रहा? अब वहाँ अभी नहीं आया है तो हम लोग नहीं मिला है, जब आएगा तब दिया जाएगा। कहाँ पढ़ने जाते हैं? वहाँ खाना मिलता है दोपहर में? और क्या मिलता है वहाँ पर? आपका नाम? कुसुम देवी। किस गांव में रहती हैं? आप क्या हैं? सहायता। आप दोपहर का भोजन क्यों नहीं बनाती हैं? हमको अनाज नहीं मिलता तो कहाँ से बनाओ? अनाज कौन नहीं देता? कार करती। वो आपको अनाज नहीं देती हैं? नहीं। मैं चाहती हूँ कि इस आंगनबाड़ी में पढ़ने वाले सभी बच्चों को दोपहर का भोजन जल्द से जल्द मिलने लगे और यहाँ के किशोरियों और गर्भवती और महिलाओं को भी इनका पोषण आहार मिलते रहे। इस वीडियो को देखने वाले सभी श्रोताओं से मेरी अपील है कि यहाँ के PSA अधिकारी का नंबर है 9450756530, जिस पर कॉल करके मेरी मदद करें। मैं माधुरी चौहान, फैलावा जिला संत कबीर नगर, उत्तर प्रदेश, इंडिया, अनहट के लिए।